हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। तो बेटा आज की क्लास में हम अपने जो कन्वेंशंस डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 के जो प्रिंसिपल डिस्कस कर रहे थे बेटा, उसी को हम आगे आज डिस्कस करेंगे। और आज ये 3 चैप्टर की लास्ट क्लास है बेटा, आज आपका 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो जिसमें बेटा 4 तो हमने डिस्कस कर लिए थे, 5th वाले नंबर पर है बेटा मटेरियलिटी। तो मटेरियलिटी का मतलब क्या होता है बेटा? मटेरियल मीन्स बेटा इम्पोर्टेंस, जिसकी इम्पोर्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? मटेरियल। तो आइटम हैविंग द सिग्निफिकेंट इफेक्ट शुड बी डिस्क्लोज्ड, मतलब जो भी आपने ट्रांजेक्शन या इवेंट्स करी है, अगर बेटा उसका सिग्निफिकेंट है किसके साथ? बिजनेस के साथ। वो कोई सिग्निफिकेंट रखती है बिजनेस में तो उसको हमें डिस्क्लोज कर देना चाहिए, मतलब रिकॉर्ड कर लेना चाहिए अपने, किस में? अपने अकाउंट्स में। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बताऊं तो ये है मिस्टर अंबानी और ये है एक बैगर, मतलब जो बेटा मांगते हैं वीक वगैरह बैगर्स। तो मान लीजिए अगर अंबानी के 100 रुपये खो जाते हैं तो अंबानी के लिए कैसा है बेटा? नॉट मटेरियल, क्योंकि 100 रुपये खो गए, अंबानी को क्या फ़र्क पड़ना? कुछ नहीं। लेकिन अगर वही बैगर के बेटा 100 रुपये खो जाते हैं तो क्या होगा? उसके लिए मटेरियल चीज़ें हैं, मतलब उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो इसी तरह से बेटा बिजनेस में अगर मैं एग्जांपल दूं तो पेन परचेज इज रिकॉर्डेड इन द बुक, छोटी चीज़ है लेकिन बेटा बिजनेस में इफेक्ट डालती है, स्टेशनरी है, रिकॉर्ड करते हैं। चाहे पेन 2 रुपये का परचेज करें, हम उसको रिकॉर्ड ज़रूर करेंगे। तो मटेरियलिटी का मतलब क्या हो गया बेटा? जो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंस रखती है इन्फॉर्मेशन, उनको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। तो मतलब जो अभी हमने किया था ना इसके पहले वाला फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल लास्ट क्लास में, उसी का छोटा भाई है, आप ये मान लीजिए वाला प्रिंसिपल। अगला देखिए बेटा प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिज्म इसी को बोलते हैं। पहले एक एग्जांपल से समझते हैं चीज़ों को, उसके बाद फिर आप क्या कर लेना इसकी मैं डेफिनेशन लिखवाता हूँ। जैसे मान लीजिए आप हैं और ये आपकी मदर हैं, आपने कोई टेस्ट दिया, मतलब अपने 11th क्लास का कोई टेस्ट दिया और आपको लगता है कि बेटा किसी सब्जेक्ट में आपके 90 मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन आप क्या बताते हैं अपनी मदर को कि चलो 90 नहीं बता के कुछ कम बताते हैं। मान लो आपने क्या बोल दिया कि मेरे 85 आएंगे। मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में आपको लगता है कि आपके 80 मार्क्स आएंगे और आपने कितना बता दिया? 75 मार्क्स बता दिया। अगर आपको लगता है कि 70 आएंगे, आपने क्या बता दिया? 60 बता दिया, क्योंकि भाई 70 का मैंने किया है तो एक आधे 2 नंबर कट सकते हैं ये वो करके, तो आप पूरा कैलकुलेट करके अपनी मदर को बता दें मेरा 60 नंबर आ सकते। तो यहाँ पे आप क्या हैं? कंजर्व हैं, मतलब जितना होने वाला है उससे आप कम चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है, उससे कम बता रहे हैं, तो आप यहाँ पे कंजर्व हैं। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। तो इसका मतलब ये है बेटा, बिजनेस को अगर नियर फ्यूचर में दिख रहा है कि प्रॉफिट होगा तो उसको बिजनेस प्रॉफिट नहीं मानता है, लेकिन अगर उसको लगता है कि लॉस हो जाएगा तो बिजनेस उसको लॉस मान लेता है, तो उसको हम क्या कर लेते हैं? रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, क्रिएशन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। मान लीजिए कोई आपका ना डेटर्स है, डेटर्स तो आप समझ ही गए होंगे बेटा, जिससे हमें पैसे लेने हैं, उसके पास हमारे 20,000 रुपये हैं और हमें लगता है कि वो हमें ना 2,000 रुपये नहीं देगा, 2,000 रुपये नहीं देगा, तो उसके लिए आप क्या बना लेते हैं? प्रोविजन बना लेते हैं कि भाई 2,000 रुपये हमारे क्या हो सकते हैं? बैड डेब्ट्स हो सकते हैं, जो डाउटफुल डेब्ट्स हैं, मतलब इनमें डाउट है मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आप इसको लॉस ही मान के चलते हैं अपने बिजनेस में, ठीक है, हुआ नहीं है लेकिन आपने लॉस मान लिया। क्लियर होगी ये बात आपको। उसके बाद जैसे सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूएड एट द कॉस्ट और द मार्केट प्राइस विच एवर इज द लोअर। जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक मैंने आपको लास्ट क्लास में कई बार बताया बेटा, जो अनसोल्ड स्टॉक होता है एट द एंड ऑफ द ईयर उसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। तो उसकी वैल्यू कॉस्ट वैल्यू पे, मतलब जो हमारी उसको बनाने में लागत लगी है वो, या फिर बेटा जो मार्केट प्राइस है वो, इन दोनों में जो कम होगा उसी पे हम दिखाएंगे अपने अकाउंट्स में। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कॉस्ट आपकी 5 रुपये आई है, कॉस्ट आपकी कितनी आई है? 5 रुपये आई है। मार्केट प्राइस कितना है बेटा उसका? 4 रुपये है, तो आप 4 रुपये दिखाएंगे। मान लीजिए मार्केट प्राइस 7 रुपये है, कॉस्ट प्राइस 5 रुपये है, तो कितना दिखाएंगे आप? 5 रुपये, मतलब दोनों में से जो लोअर होगा, ठीक है। अगला देखिए कॉन्सेप्ट, कॉस्ट प्रिंसिपल। कॉस्ट प्रिंसिपल का मतलब क्या है बेटा? द एसेट इज रिकॉर्डेड एंड इन द बुक एट द कॉस्ट प्राइस,
हम क्या कर लेते हैं, जब किसी भी एसेट्स को परचेज करते हैं ना, तो उसको कॉस्ट प्राइस पे ही रिकॉर्ड कर लें। जैसे हमने कोई एसेट परचेज करी 10 लाख रुपए की, उसको हमने अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लिया किस पे, परचेज प्राइस पे, इसी को बेटा एक्वायर प्राइस भी बोलते हैं। अब मान लीजिए बेटा मार्केट वैल्यू उसकी ना बढ़ के कितनी हो जाती है, 1,10,000, 1,20,000, तो ये हमारे लिए क्या है, इमटेरियल है। इमटेरियल वर्ड समझ गया ना, बिजनेस के लिए कोई सिग्निफिकेंट नहीं रखती, क्योंकि हमने जितने में खरीदी है उतने पे ही दिखाएंगे। क्लियर हो गया होगा बेटा 7th वाला। नेक्स्ट देखिए 8th वाला। 8th वाले में है बेटा मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब पहले समझ लीजिए, कॉस्ट इंकर्ड ड्यूरिंग अ पीरियड, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड शुड बी मैच्ड अगेंस्ट द रिवेन्यू ऑफ दैट पीरियड। इसका मतलब ये है बेटा कि मान लीजिए आपने ना किसी ईयर में 20,000 रुपये कमाए, ठीक है, तो 20,000 रुपये कमाए और इसको कमाने के लिए आपको खर्च कितना पड़ा, करना पड़ा बेटा 15,000 रुपये, ठीक है, तो ये आपको खर्च करना पड़ा, ये आपका क्या है, रिवेन्यू है। तो ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि हमें क्या कर देना चाहिए कि इसको ना साथ के साथ रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, रिवेन्यू के साथ एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, मतलब मैच्ड करा देना चाहिए, मीन्स रिकॉर्ड कर लेना चाहिए किसके साथ, इनकम के साथ। आपकी जो भी एक्सपेंडिचर है उनको आप क्या कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बेटा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन बेटा लास्ट क्लास में बता चुका हूँ मैं आपको, जिसका मतलब होता है गिरावट, फॉल इन अ वैल्यू ऑफ एसेट्स। मान लीजिए कोई आप मशीनरी यूज कर रहे हैं बेटा, उसकी वैल्यू कितनी है, 1,00,000 रुपये है, अभी आप इन्हें 1 साल यूज किया तो बेटा उसकी वैल्यू तो कुछ कम ही होगी, मान लीजिए 10,000 रुपये कम होगी, तो कितना हो गया 90,000, अब उसकी वैल्यू बची, तो ये 10,000 आप अपने अकाउंट्स में दिखा दीजिए, क्योंकि अब बेटा इस मशीनरी से ही आप रिवेन्यू कमा रहे हैं, तो आप इसको दिखा दीजिए। इसका मतलब ये मैच का मतलब है, रिवेन्यू को मतलब जो एक्सपेंडिचर है उनको रिवेन्यू में से माइनस कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए साथ के साथ। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट का मतलब होता है बेटा एवरी ट्रांजेक्शन, जितनी भी आप ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स करेंगे, चाहे सेल परचेज कुछ भी करेंगे, उसके क्या होंगे, दो एस्पेक्ट होंगे, दैट इज अ डेबिट एंड क्रेडिट। तो दो साइड होंगी, डेबिट और क्रेडिट साइड। जैसे कि बेटा फॉर्मूला कई बार बता चुका हूँ, एसेट्स इक्वल टू में कितना बेटा, कैपिटल प्लस में लाइबिलिटी, तो दो साइड्स, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। अगला 10th, रिवेन्यू रिकग्निशन। रिकग्निशन का मतलब बेटा रिकॉर्ड कर लेना किसी चीज़ को, रिकग्निशन प्रिंसिपल, जो कि बेटा किस बेस पे चलता है, अक्रूवल बेस पे चलता है। रिवेन्यू इज रिकग्नाइज्ड इन द पीरियड इन विच इट इज अर्न्ड। रिवेन्यू को हम रिकॉर्ड जब कर लेते हैं, जब इसको हम क्या कर लेते हैं बेटा, अर्न कर लेते हैं, इन रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर इट इज रिसीव्ड और नॉट। मतलब आपने मान लीजिए कोई गुड्स सोल्ड कर दिया, 10,000 रुपये का, और आपको अभी तक पैसे मिले नहीं हैं, तो आप क्या मान लेंगे इसको कि हमारा रिवेन्यू हो गया है, चाहे पैसे मिले ना मिले, वो आपके लिए क्या है, इमटेरियल है वो चीज़ें, आपके लिए इमटेरियल मतलब इंपॉर्टेंस नहीं रखती हैं। तो अक्रूवल बेसिस में हम क्या करते हैं, जब हम रिवेन्यू जनरेट कर लेते हैं तो उसको हम अपना रिवेन्यू मान लेते हैं, ठीक है, तो यही बोल रहे हैं। अगला है बेटा वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल का मतलब होता है बेटा कि एविडेंस होना चाहिए, जो भी आपने ट्रांजेक्शन करी है उसका आपके पास क्या होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। जैसे देयर मस्ट बी अ ऑब्जेक्टिव एविडेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन विच आर कैपेबल ऑफ द वेरीफाइंग वेरीफिकेशन। तो जितनी भी आपने ट्रांजेक्शन करी है उसका आपके पास क्या होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपने कुछ चीज़ें अगर परचेज करी तो आपके पास क्या होगा, इनवाइस होगा। अगर आपने कुछ चीज़ें सेल करी तो बेटा आपके पास बिल होगा। तो ये क्या है, आपके पास प्रूफ है, मतलब आप प्रूफ कर सको कि ये ट्रांजेक्शन जो मैंने करी है वो हमारी कैसी है, कि ट्रांजेक्शन मैंने एक्चुअल में करी है, मतलब हम दिखा नहीं रहे हैं, जस्ट हमने एक्चुअल में करी हुई ट्रांजेक्शन है। तो बेटा यहीं पे आपका चैप्टर नंबर 3rd ख़त्म हो जाता है। कल बेटा चैप्टर नंबर 4th के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।